सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज कुछ अलग ही सीन चल रहा है। टाइम हो चुका है 3:20 ऑलमोस्ट। तो ये जो आप लोकोमोटिव देख रहे हो 14526 का है, ये जो है श्री गंगानगर अम्बाला कैंट इंटरसिटी का लोकोमोटिव है और ये हो चुका है फेल। तो भैया इसे तो भेज दिया साइड पर। तो अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि जितने भी पैसेंजर है वो इसमें बैठ जाए। फाजिलका बठिंडा एक्सप्रेस 04552 ये पहले डिपार्ट करेगी। तो गलत सीन चल रहा है भाई, रोस्टर फेल हो चुका है आज। तो टोस्टर तो चला गया मे बी, पर अभी वापस आएगा शायद टोस्टर, मेरे को लगता है। अब और में ही उसकी शंटिंग कर देंगे या देखते हैं क्या सीन होगा। वापस ही आएगा क्योंकि मे बी लाइन क्लियर करनी होगी। तो भैया टोस्टर वापस आ चुका है। तो यार पहले से ही इंजन का नाम सुन के ही मालूम पड़ जाता है कि टोस्टर है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो भैया इसीलिए शायद फेल हुआ है। यार हॉन्क बहुत प्यारा है इसका। क्या भाई फेल हो जाता है। और पहले मेरे को लगा था शायद इसका लोको निकाल कर उसको लगाएंगे, पर ये सीन करने से अच्छे इन्होंने सारे पैसेंजर ही उसमें घुसा दिए। तो अब इसको पहले डिपार्चर देंगे, ट्रेन नंबर 04552 फाजिलका बठिंडा एक्सप्रेस। तो इसके बाद देखेंगे कि उसको उसके लिए शायद अलग से लोकोमोटिव मंगवाएंगे। वैसे अच्छी बात है, इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। डीजल इंजन वो काफ़ी पुराना हो चुका है, फेल वगैरह हो जाता है, गलत सीन हो जाता है। तो देखो मतलब लगभग 1 घंटा लेट हो चुकी है वो ट्रेन। 2:40 पे डिपार्ट करना होता है और 3:30 हुए पड़े हैं और सभी पैसेंजर इसमें लोड हो गए हैं। वैसे पहली बार इसकी इतनी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, नहीं तो खाली जाता है पूरा रेक इसका। तो गाइस प्लान में काफ़ी चेंज कर दिया, इसके लोकोमोटिव उतार दिए भाई, मतलब मेरे वाला आइडिया ले रहे हैं, इसके लोकोमोटिव उसको लगा देंगे। वैसे मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि इसके दो लोकोमोटिव है, एक को उतार कर उस पर लगा देते, मतलब दोनों का सहारा हो जाता। पर फिर मेरे को याद आया कि ऐसे नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनको जब पेयर किया जाता है तो दोनों को एकदम मतलब दोनों के स्पीड रेशियो सब सेम कर दिया जाता है, इसलिए इनको डीकपल नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं आप, पहले अनाउंसमेंट की कि फाजिलका बठिंडा को पहले डिपार्चर देंगे, लेकिन अब गलत सीन कर रहे हैं, उसके लोकोमोटिव उतार के 14526 को दे दिए श्री गंगानगर अम्बाला कैंट इंटरसिटी को। भाई देखो यार, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है फाजिलका बठिंडा एक्सप्रेस स्पेशल की, नो इज्जत। तो भैया अब इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये कहेगी ये बेचारी कहेगी मैं तो ऐसे ही इधर फंस गई, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। वैसे दोनों का डेस्टिनेशन एक्चुअली जुबान स्लिप कर गई थोड़ी, डेस्टिनेशन दोनों का सेम है, तो फर्क तो ज़्यादा पड़ेगा नहीं, पर दोनों ही लेट हो जाएंगी। अब सीन ये होगा, पहले एक लेट होनी थी, अब दोनों ही लेट कर दी, अब इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा भाई। अब और जंक्शन ने गलत सीन कर दिया, अभी अनाउंसमेंट सुनिए। भाई देखिए, देखो पहले क्या अनाउंसमेंट करते हैं, पहले अनाउंसमेंट की थी कि दो नंबर वाली गाड़ी को पहले डिपार्चर देंगे। अब उल्टी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि एक नंबर वाली जाएगी, मतलब पैसेंजर कह रहे हैं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, एक बात नहीं बता रहे। अब तो चलो उधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसको एल्कोस दे दिए हैं। तो अब इसे पहले डिपार्चर मिलेगा,
प्रेस एफ फॉर फाजिलका बठिंडा पैसेंजर। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है, अब भी मैं वही मुद्दा उठाऊंगा, प्लेटफॉर्म की कमी। देखिए आज अगर 1 2 4 8 6 श्री गंगानगर हजूर साहिब नंदेड़ ने चलना होता तब तो प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता। देखो ऐसा सीन हो जाता तो प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता, तब मतलब फाजिल का बठिंडा को मतलब ऐसे ही आड़ में लेके जाते, ये वो सीन करते। भाई उससे अच्छा 3 नंबर प्लेटफॉर्म बनना चाहिए क्या भाई, कोटकपूरा में 4 नंबर प्लेटफॉर्म बन रहा है, क्या सीन है भाई। लेकिन अब और में 3 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा जिसकी ज़रूरत भी है एक्चुअल में। तो भाई देखते हैं क्या पता जल्दी बना दिया जाए। तो बाकी इसका देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, ये वॉइस ओवर मैंने अब कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ रात को। तो ये ट्रेन तो अर्ली पहुँच गई थी, लेकिन जो फाजिलका बठिंडा है जिसने आगे जाकर बठिंडा अम्बाला कैंट एक्सप्रेस बनना होता है, तो वो उसका बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, वो 2.5 घंटे लेट चल रही है। लेकिन ये जो अम्बाला कैंट इंटरसिटी है ये पहुँच गई थी ऑन टाइम। तो गाइस खैर यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।